मैं विनीता कुछारी, एसोसिएट प्रोफेसर गृह विज्ञान, आज आपके समक्ष तृतीय वर्ष विज्ञान के प्रथम पाठ वस्त्र विज्ञान परिचय महत्व के बारे में अपना लेक्चर प्रस्तुत कर रही हूँ। वस्त्र हमारी दूसरी आवश्यकता है। आज अमीर या गरीब कोई भी व्यक्ति होता है, उसे वस्त्रों की आवश्यकता होती है। वस्त्र हमारे न केवल हमारी मूलभूत आवश्यकता है, परंतु ये हमारे लिए एक रोजगार का भी माध्यम है। हम जीवन के किसी भी पड़ाव में हमें वस्त्रों की आवश्यकता होती है। आज ही नहीं, प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने तन को ढकने के लिए वस्त्रों का उपयोग कर रहा है। प्रारंभ में मनुष्य टहनियों के पत्तों आदि से अपने वस्त्रों को ढकता, अपने शरीर को ढकता था, और धीरे धीरे उसने पक्षियों को अपने घोंसले को गूंथते हुए देखते हुए उसने टहनियों और आदि फाइबर्स जो होते हैं उनको वस्त्र के रूप में गूंथना शुरू किया, और इस प्रकार वस्त्र का निर्माण हुआ। आज वस्त्र मनुष्य वस्त्रों की वृक्षों की छाल, जानवरों की खाल, पेड़ की पत्तों आदि की तुलना में हाथ के बुने हुए वस्त्रों का उपयोग करता है, और वस्त्र हमारी त्वचा को सुख प्रदान करता है। साथ ही वस्त्र उत्पादन हमारे लिए एक व्यवसाय के रूप में स्थापित हुआ है। आधुनिक समय में एक से एक बढ़कर मजबूत, सुंदर और टिकाऊ आकर्षक वस्त्र, विलक्षण गुणों वाले परिपूर्ण वस्त्र हमारे प्राकृतिक रेशों के निर्माण से होते हैं। वस्त्र में मुख्य रूप से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, पेट्रोलियम, कोयला आदि के तत्वों का संयोग कर विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाएं कर नए वस्त्रों का निर्माण किया गया है। वस्त्र की सौंदर्यता और अलौकिकता वैभवशाली एवं आकर्षण देखने में बनता है। इतने विलक्षण गुणों से परिपूर्ण वस्त्रों को देखकर कोई भी आश्चर्य नहीं हो सकता। वस्त्र हमारी सभ्यता, संस्कृति एवं सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार है। हम वस्त्रों को हमारी सामाजिक पहचान के रूप में वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। एक कहावत है कि क्लोथ्स मेक्स द मैन, अर्थात मनुष्य को कुछ हद तक पहचान दिलाने में वस्त्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हीं वस्त्र विज्ञान हमारी भावा अभिव्यक्ति का भी कारक है, सशक्त माध्यम माना जाता है। सुंदर परिधान हमारे व्यक्तित्व को सुंदर बनाता है, और उचित प्रकार के वस्त्रों का चयन कर हम विभिन्न प्रकार के ओकेशंस जो होते हैं उनको ज्ञात करते हैं। आज हम वस्त्रों के महत्व के बारे में समझना चाहते हैं। वस्त्र हमारी शारीरिक, प्रतिष्ठात्मक, सांस्कृतिक, सामाजिक आवश्यकता भी बन गई है। व्यक्तित्व को सुंदर ढंग से परिभाषित करने के लिए वस्त्र हमारे लिए आवश्यक है। एक्चुअली वस्त्र विज्ञान हमारे जब हम वस्त्रों के वस्त्र विज्ञान के अंतर्गत हम वस्त्रों के उद्गम, विशेषताएं, गुण, धर्म आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, और यही विषय जिस विषय के अंतर्गत हम वस्त्रों की विभिन्न गुणों, धर्म आदि के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसे ही हम वस्त्र विज्ञान कहते हैं। वस्त्र विज्ञान वस्त्र निर्माण के साथ साथ वस्त्र संरक्षण और वस्त्र की देखभाल आदि के बारे में और में भी हमें जानकारी प्रदान करता है। वस्त्र हमारे ओढ़ने बिछाने के लिए भी काम आते हैं, घरेलू उपयोग में भी काम आते हैं। आज हमारे जीवन में वस्त्रों का इतना महत्व है, आइए हम संक्षेप में इन वस्त्रों के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। वस्त्र हमारे शरीर को आवरण प्रदान करता है, अर्थात हमारे को विभिन्न मौसम से संबंधित जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है उनसे बचाव प्रदान करता है। वस्त्र हमारे शरीर को आकर्षक और सुंदर बनाने का काम करता है। व्यक्तित्व निर्माण में भी वस्त्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। वस्त्र हमारे घरेलू फर्निशिंग्स के रूप में हम इनका बहुत अधिक उपयोग करते हैं। वस्त्र गृह सज्जा और सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र के अंदर भी वस्त्रों का उपयोग किया जाता है,
जैसे गाड़ी आदि की सीट कवर्स आदि का निर्माण। वस्त्र हमारी पहचान है, एक मार्क ऑफ आइडेंटिटी के रूप में हम वस्त्रों का उपयोग करते हैं। वस्त्र हमारी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए भी अति आवश्यक है। वस्त्र सामाजिक प्रतिष्ठा का भी एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा यदि हम के साथ साथ हमारी जो जॉब हम करते हैं उसका भी एक परिचायक होता है। जैसे एक डॉक्टर जो एप्रन पहनता है तो हम तुरंत पहचान जाते हैं कि यह डॉक्टर है, और जो एक काला कोट पहनता है उससे हम तुरंत पहचान जाते हैं कि वह वकील का पेशा करता है। हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वस्त्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। वस्त्र हमें मानसिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के तहत हम उटपटांग वस्त्र पहनते हैं तो हमें अजीब सा महसूस होता है, परंतु हम समाज के अनुरूप वस्त्रों का चयन करते हैं तो हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। वस्त्र हमारे निस्तारण में भी मुख्य भूमिका निभाता है। जैसे हम कई चीज़ें होती हैं उनको निस्तारण के लिए वस्त्रों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार आज हमने वस्त्र विज्ञान की परिभाषा और वस्त्र विज्ञान के महत्व के बारे में जानने का प्रयास किया है। धन्यवाद। ठीक है।